हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से एक और न्यू धमाकेदार टॉय कलेक्शन का वीडियो लेके आया हूं। गाइस, आप देख सकते हैं मेरे सामने यहां पर रखे हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉयज। कुछ टॉयज ऐसे होंगे जो आपने देखे होंगे बट ज्यादातर टॉयज आपने नहीं देखे होंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं काफी यूनिक काफी मजेदार टॉय कलेक्शन होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूनिक टाइप के टॉयज मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। सो गाइस, अगर आपको टॉय कलेक्शन देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। सो गाइस, आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाऊंगा वो है गाइस ये गन। ये देखो गाइस, मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग सी सॉफ्ट बुलेट गन जिसका डिजाइन आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका डिजाइन है। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं और यहां पर इसके अंदर लगी हुई है सॉफ्ट बुलेट। ये देखो है ना, बुलेट आप देख सकते हैं कैसी दिखाई दे रही है। और गाइस, इस तरह की बुलेट का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है, मतलब हम इसको यूज करेंगे तो किसी को चोट नहीं लगेगी है ना। और दूसरा फायदा ये कि सामने से जाकर ये प्लेन सरफेस पर चिपक जाती है। आप देख सकते हैं गाइस कुछ ऐसी ये दिखाई देती है। अब गाइस देखो, सिंपली हमने 5 बुलेट लगा रखी, 1 बुलेट मेरे हाथ में जो कि यहां पर थी और 4 बुलेट यहां पर लगी हुई है। ये देखो, मतलब हम इसके अंदर 5 बुलेट स्टोर कर सकते हैं। अब इसको चलाते कैसे, देखो बुलेट यहां पर लगाई, इसको गाइस कुछ इस तरह से मैंने लोड किया और गाइस ये लोड हो चुकी है। और गाइस ऐसे चलाएंगे, देखो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, आउटडोर में 6 चला के दिखाऊंगा। देखो यहां पर चलाता हूँ गाइस और देखना, ये देखो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है गाइस। ये यहां से बुलेट निकालनी है और गाइस यहां पे लगा के इसको ऐसे लोड करना है और ऐसे चलाना है। और गाइस देख सकते हैं बुलेट वहां पर कितने अमेजिंग तरीके से चिपक गई है ना। सो गाइस, मैं आपको इसको आउटडोर में यूज करके दिखाता हूं। ये देखो गाइस, गन को मैंने रेडी कर रखा है। देखो बुलेट मैंने इसके अंदर यहाँ पर लगा रखी है, 4 बुलेट नीचे और 1 बुलेट को मैंने लगा रखा है और मैंने इसको लोड भी कर रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब गाइस मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, मैंने इसको चलाया तो गाइस आप देख सकते हैं बुलेट यहाँ पर आकर किस तरह से चिपक गई है और कितनी ज़्यादा अमेजिंग ये दिखाई दे रही है गाइस है ना। और इसी तरह से ये गन वर्क करती है, बुलेट भी शूट करती है और जो इसकी बुलेट है वो कहीं पर जाकर चिपक भी जाती है। काफ़ी अमेजिंग है ना। और गाइस इससे बड़े बड़े टारगेट आप सेट कर सकते हैं, काफ़ी दूर इससे चलता, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंज इसकी है। अब मैं आपको इसको अच्छे टेस्ट करके नहीं दिखा पा रहा हूँ बट गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गन है। सो गाइस, अगर आपको एक गन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, काफी अमेजिंग है गाइस, पावरफुल भी है और बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है। सो गाइस, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास यहां पर बहुत ही अमेजिंग बहुत ही यूनिक डिजाइन वाला रूबिक्स क्यूब। ये देखो गाइस है ना, यहां पर कुछ और नाम इसका लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं जीव क्यूब गाइस, पता नहीं इसका नाम ऐसा क्यों है। और गाइस इसको ओपन करते हैं, देखो आपने चोकोर वाला रूबिक क्यूब देखा होगा बट गाइस ये देखो इसका डिजाइन देखो कितना अमेजिंग है। और मैं इसको बॉक्स से निकाल लेता हूं बाहर और गाइस ये देखो ट्राइंगल वाले डिजाइन में ये रूबिक क्यूब है। और गाइस ये वर्क भी करता है, देखो इसके ऊपर का पार्ट भी घूमता है जैसे कि नॉर्मल रूबिक क्यूब होता है सेम वैसे ये एक्ट करता है गाइस आप देख सकते हैं है ना, और हर एंगल से घूमता है। ये देखो, अब इस तरह के रूबिक क्यूब को गाइस क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसके बॉक्स पे एक नाम तो लिखा था, अब वो नाम इसी का या किसी और का गाइस पता नहीं बट गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये है ना। अब इसको खराब कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता। अगर आपको रूबिक क्यूब सॉल्व करना आता है तो ये सिर्फ आपके लिए है ना, काफी यूनिक काफी मजेदार चीजें आपके लिए होगी है ना, मजा आएगा गाइज। और आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली ये वर्क कर रहा है। सो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बहुत ही अमेजिंग सी चीज मेरे पास है, इसको यहां पे रख लेते हैं। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। ये देखो मेरे पास है यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सा डोरेमोन। और गाइज आप देख सकते हैं डोरेमोन का साइज मेरे हाथ में कितना बड़ा है। और गाइज ये देखो इसके पीछे यहां पर लगा हुआ है हैंडल आप देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से वर्क करता है। अब गाइज हैंडल लगा हुआ है का मतलब ये कुछ और है, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ गाइज। ये एक्चुअल में इतने बड़े साइज का शार्पनर है जो कि पेंसिल शार्प करने के काम आएगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका साइज है ना, नॉर्मल जो आपने शार्पनर देखे वो इतने बड़े होते हैं बट इसका साइज देखो गाइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब ये पेंसिल को कैसे शार्प करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो उसके लिए हमें चाहिए पेंसिल, ये है एक पेंसिल जिसको मैंने आगे से तोड़ दिया, मतलब ये शार्प नहीं है और दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं यहां से भी शार्प नहीं है। देखो यहां पे इसके छेद हैं, यहां से हमें पेंसिल इसके अंदर डालनी है। ये पेंसिल मैंने इसके अंदर डाली, पेंसिल को अच्छे से सेट करना है और इसको कुछ इस तरह से घुमाना है। ये देखो भाई, और हमारी पेंसिल शार्प हो जाएगी, तो इस टाइम पेंसिल शार्प हो रही है गाइस और मैंने इसको अच्छे से घुमा लिया और अब इसको निकालते हैं बाहर। और गाइज ये देखो हमारी पेंसिल कितनी स्मूथली और कितनी अमेजिंग शार्प हो गई है आप देख सकते हैं है ना, बहुत ही ज्यादा मजेदार है गाइज। और जो इसने शार्प किया है वो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग किया है। सो गाइज दूसरी साइड से भी देखो, इस साइड से भी शार्प करके आपको दिखाता हूँ, काफी यूनिक शार्पनर है। देखो मैंने पेंसिल को इसके अंदर अच्छे से सेट कर लिया और अब इसको घुमाएंगे। देखो ये मैंने इसको घुमाया और गाइज ये देखो मैंने इसको निकाला बाहर और गाइज ये देखो दोनों साइड से पेंसिल कितनी अमेजिंग शार्प हो गई है आप देख सकते हैं है ना। सो गाइज काफी अमेजिंग शार्पनर है, आपने बहुत शार्पनर यूज किए होंगे बट ये वाला सच में काबिले तारीफ है। अब गाइज इसके अंदर जो कचरा है वो कैसे निकालते हैं, देखो इसके नीचे यहां पर
ढक्कन लगा हुआ, इसको हटाएंगे तो गाइज ये देखो कचरा आ जाता है बाहर। और गाइज इसके अंदर जो कचरा होता है वो भी काफी अमेजिंग होता है, देखो है ना, बरूदा टाइप बन गया, पाउडर टाइप। क्योंकि गाइज जो इसके अंदर मशीन लगी है वो ब्लेड वाली मशीन नहीं है गाइज, इसके अंदर लगी हुई है कुछ अलग ही टाइप की मशीन है, देखो अगर आपको दिखाई दे रही है तो, है ना, पेंसिल शार्प करने की मशीन, इसके अंदर ब्लेड नहीं लगा होता। अगर ब्लेड लगा होता तो कचरा अलग टाइप का होता, बट आप देख सकते हैं ये कुछ अलग ही टाइप का कचरा है। सो गाइज अगर आपको डोरेमोन पसंद आया तो कॉमेंट में बताना, कचरा मैं फेंक देता हूँ पहले। सो गाइज इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सी चीज जो कि है गाइज, ये देखो हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग स्लाइम। मैंने आपको अलग अलग वीडियो में बहुत ही अलग अलग टाइप की स्लाइम दिखाई है, इस स्लाइम का प्राइस है 60 रुपीज। और गाइज की पहले आप बॉटल देखो कितनी अमेजिंग इसकी बॉटल है ना। अब गाइज इसको देखो कैसे देखते हैं, मतलब ये स्लाइम कैसी है, ये मैंने ढक्कन खोल लिया। और गाइज ये देखो ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी वाली स्लाइम है, देखो मेरे हाथ में नहीं चिपकी है, देखो नॉन स्टिकी स्लाइम है आप देख सकते हैं, है ना। और गाइस इसको बाहर निकालना चाहते कुछ इस तरह से खींच के इसको बाहर निकालना पड़ता है। ओह वाओ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ये, देखो थोड़ी स्लाइम मेरे हाथ में आ गई है। अब गाइस स्लाइम को देखो, जो मैंने इसको अपने हाथ में दबाया तो ये नॉन स्टिकी है, मतलब हाथ में नहीं चिपकती है, ये आप देख सकते हैं, है ना, काफी अमेजिंग क्वालिटी है इसकी। और गाइस बहुत ज्यादा स्लाइम है इसके अंदर, और बाहर निकालना भी थोड़ा चैलेंजिंग काम है क्योंकि बाहर नहीं आती इतनी इजीली, ये देखो है ना नॉन स्टिकी है, देखो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। इस तरह की स्लाइम काफी अच्छी होती है जो हाथ में या कपड़ों पर नहीं चिपकती है, क्योंकि एक बार हाथ में या कपड़ों पर चिपक गई तो आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, काफी अमेजिंग स्लाइम है। अगर आपको स्लाइम के साथ खेलना पसंद है तो कॉमेंट में बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। सो गाइस 60 रुपए में ये बहुत ही अमेजिंग स्लाइम की बॉटल है ना, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ एक अमेजिंग चीज, ये देखो मेरे पास है यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक सा मेटल बॉक्स, जो कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये दिखाई दे रहा है ना। आप गाइस साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा बस है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिटी बस। और गाइस देखो यहाँ पर एक व्हील बना हुआ है, यहाँ पर एक दो व्हील बने हुए हैं जैसे कि एक नॉर्मल बस के अंदर होते हैं, दूसरी साइड से भी सेम टू सेम है। और गाइस अभी है क्या, देखो ब्यूटीफुल बस डिजाइन यहाँ पे लिखा है, ये बस डिजाइन में क्या है, ये है गाइस एक ज्योमेट्री बॉक्स। ये देखो मैंने इसको यहां से ओपन किया तो गाइज आप देख सकते हैं यहां पर इसके अंदर स्पेस बना हुआ है, यहां पर भी सामान रख सकते हैं, यहां पर भी सामान रख सकते हैं, है ना, बहुत ही अमेजिंग स्पेस बना हुआ है। और जब इसको यहां से बंद करेंगे और यहां से ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो यहां पर भी इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस बना हुआ है, इसके अंदर भी हम सामान रख सकते हैं। और गाइज अगर हम इसको पूरा खोलेंगे तो गाइज ये देखो साइड से कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब इस बस डिजाइन वाली ज्योमेट्री बॉक्स में खास बात क्या है, खास बात यह है कि गाइज इसके नीचे यहां पर लगे हुए हैं टायर। और गाइज ये ज्योमेट्री बॉक्स चलता है जैसे कि एक बस चलती है, उसके लिए हमें सिंपली इसको कुछ इस तरह से पीछे खींचना है और छोड़ देना है, ये देखो इसको पीछे खींचना है और छोड़ देना है। और ये फर्श पर काफी अमेजिंग तरीके से चलती है, बहुत ही अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है, तो मैं आपको इसे चला के दिखाता हूं। सो गाइज ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स को मैं बाहर लेके आ गया हूँ। और गाइज ओवरऑल ये फर्श पे रखने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक रियल बस होती है। अब गाइज इसको चलाते कैसे हैं, देखो यहाँ पर जो वायर है इसको हमें खींचना पड़ेगा, देखो इसको गाइज कुछ इस तरह से खींचेंगे। और गाइज ये देखो मैंने इसे खींच लिया, ये देखो अब गाइज इसको चला के देखते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है, देख सकते हैं, है ना, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलता बट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग तरीके से चलता है। सो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है बस वाले डिज़ाइन में। सो गाइज आपने देखा कि ज्योमेट्री बॉक्स कैसे वर्क करता है, और जब फर्श पे चलता है तो काफी कूल दिखाई देता है। अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट में बताना गाइज, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गाइज मेरे पास है यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज, ये देखो गाइज मेरे पास है यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सा बर्गर। और गाइज मैं इसको पहले बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। अब देखो गाइज ये कुछ इस तरह का कलरफुल बर्गर मेरे पास है ना, इसके अंदर यहाँ पे कलर्स है रेड येलो ग्रीन। और गाइज ये देखो स्पंजी सा आई है, बट गाइज ये बर्गर होने के साथ साथ कुछ और भी है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको हमें यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, देखो मैंने इसको यहाँ से ओपन किया तो गाइज ये देखो इसके अंदर यहाँ पर कुछ है जो कि है गाइज पेजेस, कागज वाले पेज जैसे कि एक डायरी के अंदर होते हैं। अब गाइज आप समझ गए होंगे कि क्या है, ये एक्चुअल में एक डायरी है, आप देख सकते हैं बर्गर डिजाइन में डायरी जिसके अंदर कलरफुल पेजेस हैं, है ना, स्किन पेजेस पे आप लिख सकते हैं जैसे कि एक नॉर्मल डायरी में लिखा जाता है, काफी अमेजिंग चीज है गाइज ये। और जब हम इसको बंद कर देते हैं तो गाइज ये डायरी बन जाती है, मतलब बर्गर बन जाता है। और यहां से आप दबाएंगे तो गाइज काफी स्पंजी है ये, इसके ऊपर यहां पर फॉर्म लगी हुई है सारी की सारी, है ना, कितनी अमेजिंग चीज, बर्गर डिजाइन में डायरी, वाओ यार काफी यूनिक चीज है, इसको यहां पे रख लेते हैं। और इसके बाद मेरे पास है यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सी रिमोट कंट्रोल कार, ये देखो गाइज पहले आप इस कार का साइज देखो, बहुत ही बड़ा साइज है ना। और गाइज कुछ ऐसी ओवरऑल ये दिखाई देती है, इसके टायर्स देखो, वाओ यार महंगी वाली जो गाड़ियां होती हैं उसी किसी गाड़ी की कॉपी है, अब मुझे उसका नाम नहीं पता गाइज, इसके बॉक्स पर भी इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, देखो ये है इसका बॉक्स,
और गाइज आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है फेमस कार, सुपर रेसिंग कार और कुछ ऐसी ये दिखाई देती है। 1:18 स्केल में आती है गाइज ये, और बहुत ही अमेजिंग रिमोट कंट्रोल कार है गाइज ये, आप देख सकते हैं है ना, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसकी आईज आप देख सकते हैं, मतलब जो लाइटें हैं कितनी कमाल की दिख रही हैं। अब गाइज इसका रिमोट कंट्रोल कैसा दिखाई देता है ये देखो, ये है इसका रिमोट कंट्रोल, और यहां पर इसके लगा हुआ है बहुत ही बड़ा वायर एंटीना है ना। और गाइज ये देखो यहाँ पे इसके एक जॉयस्टिक है जो कि आगे पीछे करने के लिए, और ये लेफ्ट राइट करने के लिए जॉयस्टिक है। और गाइज ये देखो इसके अंदर हमें बैटरी डालनी पड़ेगी तभी हम इसको यूज कर पाएंगे, तो इसके अंदर तो ऑलरेडी मैंने बैटरी डाल रखी है, मैं आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करके दिखाऊंगा, तो गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसको के अंदर तो गाइज बैटरी लगी हुई है, 2AA बैटरी, और गाइज इसके अंदर देखते हैं बैटरी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। ये देखो गाइज इसके अंदर 4AA बैटरी लगानी पड़ेगी, तो बैटरी ऑलरेडी मेरे पास है तो लगा लेते हैं गाइज जल्दी से। एक मैंने लगा ली ये गाइज, दो मैंने लगा ली, और ये तीसरी भी लगा ली, और गाइज ये चौथी भी मैंने इसके अंदर कर दी सेट। और गाइज ये देखो बैटरीज हो गई हैं सेट, अब इसको करते हैं यहाँ से बंद। और गाइज ये देखो हमारी कार हो गई है रेडी। अब गाइज ये देखो ये है रिमोट कंट्रोल और ये है कार। और गाइज ये देखो मैं इसको आगे करना तो पीछे वाला टायर आगे भाग रहा है, ये देखो अब इसको ऐसे करूँगा तो गाइज ये पीछे भागेगी, ये देखो मतलब इसके टायर आगे पीछे चलते हैं। और जो ये वाला बटन है, ये वाली जॉयस्टिक से गाइज ये लेफ्ट राइट होती है, देखो ये देखो ये देखो है ना, लेफ्ट राइट होती है, बहुत ही अमेजिंग है गाइस इसकी क्वालिटी, इसका डिजाइन सच में काफी अमेजिंग है। और गाइस इसकी क्वालिटी देखो वाव यार। अब मैं आपको इसको आउटडोर में यूज करके दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखो आउटडोर में ये कितनी ज्यादा अमेजिंग दिखाई देती है, जैसे कि एक रियल कार होती है सेम वैसा ही इसका डिजाइन है। ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और गाइस यहाँ पे देखो सन रूफ भी है। सो गाइस अब इसको चला के देखते हैं। सो गाइस ये देखो काफ़ी अमेजिंग तरीके से वर्क करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से चला के देखा, और मैंने इसको चला के जब दीवारों में और चीज़ों में टक्कर मारी तो उसके बाद भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। गाइस आप देख सकते हैं मैं इसको आगे पीछे हर तरीके चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ भी ये टक्कर मार रही है तो मैं इसकी टक्कर लगने दे रहा हूँ ताकि इसकी क्वालिटी का भी पता चल सके। और गाइस ये देखो बहुत ही बुरी टक्कर मारी, उसके बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कितने अमेजिंग तरीके से परफॉर्म कर रही है आप देख सकते हैं। वाओ यार लेफ्ट राइट आगे पीछे बहुत ही अमेजिंग तरीके से चलती है। स्टीयरिंग कंट्रोल इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल आप देख सकते हैं गाइस छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार कितना अमेजिंग तरीके से वर्क कर रही है, मजा आ गया। सो गाइज आपने देखा कि हमारी रिमोट कंट्रोल कार कितने अमेजिंग तरीके से वर्क करती है, और जब ये फर्श पे रखी होती है तो कितनी ज़्यादा कूल दिखाई देती है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, देखो यहाँ पर सनरूफ भी इस कार के अंदर बना हुआ है, और सीटें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं, काफ़ी अमेजिंग है। अगर आपको इस कार की परफॉर्मेंस पसंद आई तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। इसको गाइज यहाँ पर रख लेते हैं, और इसके बाद गाइज मैं आपको कुछ इनाम वाली चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पास है यहाँ पर चुगली चाची का खजाना, बंसल कंपनी की तरफ से आता है, यहाँ पर लिखा है फ्री गिफ्ट इनसाइड, और कुछ इस तरह का इसका पैकेट है आप देख सकते हैं, चुगली चाची का खजाना दोनों साइड से आप देख सकते हैं। तो गाइस इसको ओपन करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है इसके अंदर से। ये गाइस मैंने इसको थोड़ा सा फाड़ लिया है, और इसको पूरा ओपन करके इसके अंदर से सामान बाहर निकालते हैं, देखते हैं गाइस हमें क्या गिफ्ट मिलता है। और गाइस ये देखो मैंने इसको पूरा फाड़ लिया है, और सामान को ले लेते हैं अपने हाथ में। ये देखो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, सबसे पहली चीज़ है गाइस मैंगो टॉफी, ये देखो है ना मैंगो मस्ती यहाँ पर लिखा है, काफ़ी अमेजिंग है। मैंगो टॉफी तो लगभग लगभग हर किसी ने खाई होती है। और गाइज ये देखो हमें इसके अंदर मिला है कार्ड जिसके ऊपर बना हुआ है आयरन मैन, काफ़ी अमेजिंग है आयरन मैन आप देख सकते हैं, आपको आयरन मैन पता भी होगा इस कौन सी मूवी का कैरेक्टर है। और गाइज ये देखो यहाँ पर हमें मिला एक 500 रुपये का नकली नोट, देखो यहाँ पर लिखा है 500 नंबर है ना, देखने में थोड़ा थोड़ा असली सा है बट गाइज 500 नंबर लिखा हुआ है तो मतलब नकली नोट हुआ, इसको यहाँ पर रखते हैं। और इसके अंदर जो हमें फ्री गिफ्ट मिला है वो है गाइज ये, अब ये क्या है ये भी देख लेते हैं। ये देखो गाइज इसके अंदर मिली हमें Formula 1 रेसिंग कार, जो कि गाइज कुछ ऐसी दिखाई देती है। और गाइज इसके टायर आप देख सकते हैं वर्किंग टायर है, सारे के सारे टायर अच्छे तरीके से घूमते हैं है ना, और ओवरऑल ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, काफ़ी अमेजिंग इसका डिज़ाइन है। छोटी सी टॉय कार है गाइज, फ्री गिफ्ट में तो ऐसी मिलती है, यहाँ पर रख लेते हैं। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक और पैकेट है जिसका नाम है भूत का बच्चा खजाना, ये देखो है ना कितना अमेजिंग है, यहाँ पर डरावने डरावने भूत बने हुए और काफ़ी ज़्यादा ही डरावने हैं, और यहाँ पे लिखा है फ्री गिफ्ट विद दिस पैक, और यहाँ पे लिखा है भूत का बच्चा, अंकुर जी कंपनी की तरफ से आता है गाइज, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। अगर आपको फ्री गिफ्ट्स वाली वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं गाइज, मैंने बहुत ज़्यादा फ्री गिफ्ट्स वाली वीडियो बना रखी है। सो गाइज ये देखो पैकेट को मैंने कर लिया है ओपन, और गाइज ये देखो इसके अंदर निकला है हमें बहुत सारा सामान, सबसे पहले तो गाइज के अंदर निकली है मैंगो टॉफी जो कि इससे पहले वाले पैकेट में भी निकली थी, इसको यहाँ पे रखते हैं। और गाइज ये कार निकली है Formula 1 रेसिंग कार जैसी है गाइज, बट ये वाली ज़्यादा अच्छी है, देखो इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ग्रीन वाली देखो आप कितनी अमेजिंग है
है ना। और गाइस ये वर्किंग कंडीशन वाली कार है, धक्का मार के आप इन्हें चलाना चाहो तो चला सकते हो, काफी अमेजिंग है। इनका कलर ग्रीन वाली का मुझे ज्यादा पसंद आया गाइस। और इसके अंदर मिली है हमें एक ये चीज, इसको भी देखते हैं गाइस ये क्या है। वाओ गाइस, गोल्ड चैन निकली है। ये देखो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक चैन है जो कि बिल्कुल गोल्ड चैन जैसी दिखाई दे रही है, बट गाइस ये गोल्ड चैन नहीं होती है, बट अगर आप इसे गले में पहनेंगे तो गाइस ये बिल्कुल गोल्ड चैन जैसी ही दिखाई देगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी और जो इसकी फिनिशिंग है वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो गाइस मजा आ गया, दो पैकेट मैंने आपको खोल के दिखाए हैं, दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया कॉमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइस हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सी साउंड वाली गन, साउंड एंड लाइटिंग गन। ये देखो यहाँ पे लिखा है फाइटर लिखा है, ना फाइटिंगर पता नहीं क्या लिखा है। और गाइज कुछ ऐसी ओवरऑल ये दिखाई देती है। इसके अंदर गाइज हमें बैटरीज डालनी पड़ती है, और गाइज बैटरीज कहाँ से डाली जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर हमने दो छोटी वाली बैटरीज डाल रखी हैं, और गाइज को कुछ इस तरह से बंद करने के बाद अब इसको यूज कैसे करते हैं देखो, बहुत ही अमेजिंग साउंड आता है। ये देखो भाई लाइट जलती है और साउंड आता है, ये देखो, और नॉन स्टॉप आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह की गन की सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है कि इससे एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, और जब तक इसकी बैटरी डाउन नहीं हो जाती तब तक आप इसको नॉन स्टॉप चला सकते हैं, है ना। ये देखो कुछ इस तरह से वर्क करती है, ये देखो है ना कितनी अमेजिंग। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, मुझे ये 120 रुपीज की मिली है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, तो मैं आपके लिए ले आया गाइस। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सा सेट, ये देखो गाइस डिज्नी प्रिंसेस वाला बहुत ही बड़ा सेट जिसके अंदर पेन पेंसिल कलर वगैरह काफी कुछ है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो यहां पे लिखा प्रिंसेस, और पहले आप इसका साइज देखो कितना बड़ा है, है ना। अब इसको ओपन करते हैं और वन बाय वन देखेंगे कि हमें इसके अंदर से क्या क्या मिलता है। तो गाइज ये देखो मैंने इसको ओपन कर लिया, और गाइज इसके अंदर तो बहुत कुछ है जो कि गाइज बाहर निकालने में भी थोड़ी मेहनत लग रही है। ये मैंने इसको निकाल लिया बाहर, और गाइज आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें हैं। अब ये क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो गाइज हमें इसके अंदर मिलता है बहुत ही प्यारा सा प्रिंसेस वाला स्केल। ये देखो प्रिंसेस के जितने भी कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, है ना। वाओ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है गाइज, है ना। और यहाँ पे रख लेते हैं, और इसके अंदर गाइज हमें इरेजर भी मिलती है और एक शार्पनर मिलता है, यही मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। और गाइज ये देखो कुछ इस तरह का डिज्नी प्रिंसेस वाला हमें मिलता है एक शार्पनर जो कि गाइज कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो यहां से पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, और नीचे शार्पनर लगा हुआ है, देखो ऐसे पेंसिल को शार्प करेंगे, कितना अमेजिंग इसका डिजाइन है। और यहां पर एक इरेजर है प्रिंसेस वाली, है ना कितनी अमेजिंग चीज। और गाइज यहां पे और भी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमें यहां पर मिलती है आई थिंक एक डायरी, ये देखो कुछ इस तरह की डायरी मिलती है, काफी अमेजिंग है, वाओ यार। और यहां पर हमें काफी सारे कलर्स भी मिलते हैं, ये देखो टोटल 4 कलर्स हैं, येलो ब्लैक पिंक और ब्लू। और गाइज ये देखो कुछ ऐसा ये दिखाई देता है, और गाइज ये मैं चला रहा हूँ तो हाथ पे चल नहीं रहा है, आई थिंक खराब हो गया है, बट गाइज कुछ ऐसा ओवरऑल ये दिखाई देता है। और इसके बाद गाइज हमारे हमें यहाँ पे मिलती है 2-2 पेंसिल्स, ये देखो कुछ इस तरह की पेंसिल्स मिलती हैं, ये भी काफी अमेजिंग है ना। और गाइज लास्ट में हमें मिलता है यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सा ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो कुछ इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है जो कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, मेटल क्वालिटी वाला, और ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके पीछे 1 से 9 तक टेबल लिखी हुई है, ABCD लिखी हुई है, है ना। और गाइज हम इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो काफी ज्यादा इसके अंदर स्पेस है। और गाइज ये जो सेट है पूरा गर्ल्स के लिए है, क्योंकि इसके ऊपर प्रिंसेस बनी है और ये वाली चीजें गर्ल्स को ज्यादा पसंद होती है। सो गाइज आप देख सकते हैं इतने बड़े सेट के अंदर हमें काफी सारी यूनिक चीजें देखने को मिली, मजा आ गया, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइज कुछ छोटी चीजें, जैसे कि गाइज ये देखो मेरे पास है यहाँ पर एक कार डिजाइन में कुछ, इसको मैं पहले पैकेट से बाहर निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो देखो मेरे हाथ में कुछ इस तरह की गाड़ी है ना, आप देख सकते हैं येलो और स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, बट गाइज ये गाड़ी होने के साथ साथ एक्चुअल में एक इरेजर है जो कि पेंसिल का लिखा हुआ कुछ इस तरह से इरेज करती है। और गाइज ये देखो इसको हम पीछे से खोल भी सकते हैं, और गाइज वापस से असेंबल करेंगे तो गाइज ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये एक्चुअल में एक इरेजर है ना, कितना अमेजिंग इसका डिजाइन है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है जिसके अंदर हमें मिलती है बहुत सारी चीजें, ये देखो आपको मजा आ जाएगा देख के इसको, और शायद आपने ये वाली चीज देखी भी हो। सो गाइज ये देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें मिलता है पंपकिन, जो कि गाइज को एक फ्रूट या वेजिटेबल हम इसे कह सकते हैं। और गाइज ये देखो यहाँ पे हमें मिलता है कॉर्न, है ना, जिसे हम हिंदी में भुट्टा कहते हैं। और गाइज यहाँ पे मिलता है हमें अनानास, जिसे पाइनएप्पल कहा जाता है, देखो चश्मा लगा रखा पाइनएप्पल ने। और यहाँ पर एक पीनट, और गाइज यहाँ पे एक लेमन यानी कि नींबू, और गाइज ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। अब गाइज एक्चुअल में ये क्या है, ये है गाइज इरेजर्स जो कि पेंसिल का लिखा हुआ इरेज करने के काम आती हैं। आपने बहुत इरेजर देखी होंगी अलग अलग डिजाइन वाली अलग अलग कलर वाली, बट गाइज ये देखो कितनी ब्यूटीफुल इरेजर्स हैं, है ना।
बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है गाइज, इनका डिजाइन, इनका कलर काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद गाइज हमारे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज जिसे स्ट्रेस रिलीजिंग बॉल कहा जाता है ना। और गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के कपड़े के अंदर एक बॉल होती है जिसके अंदर काफी सारी ऑर्बिज की गोलियां होती है, और जिसको दबाते हैं तो गाइज ये देखो कुछ ऐसा सा बन जाता है, ये देखो है ना काफी अमेजिंग, ये देखो गाइज। और इस तरह की बॉल को सेटिस्फाइंग बॉल कहा जाता है, स्ट्रेस रिलीजिंग बॉल कहा जाता है। ये देखो मैं इसको अपने हाथ से दबा रहा हूँ, गाइज ये देखो कुछ इस तरह से बाहर आ रही है ना, काफी अमेजिंग है। बच्चों के लिए भी अमेजिंग है ये, और बड़ों के लिए भी काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है ये देखो, काफी मजेदार है गाइज। अगर आपने इस तरह की कभी कोई भी चीज यूज की है तो बताना गाइज कमेंट में, यहाँ पे रख लेते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर और चीज है, ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग चीज जो कि गाइज बॉक्स से बाहर निकालने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। ये देखो मैंने इसको निकाल लिया बाहर और गाइज मेरे हाथ में आ गई है। और गाइज ये देखो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे कि एक आइसक्रीम का कोन होता है, ये देखो है ना। इसके ऊपर एक स्वैन बैठी हुई है और जो कि गाइज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एक बर्ड टाइप का इसके ऊपर बैठा हुआ है। और गाइज ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और गाइज ये भी एक्चुअल में एक इरेजर है जो कि पेंसिल का लिखा हुआ इरेज करने के काम आएगा। देखो यहां से हम इसको कुछ इस तरह से पकड़ के ऐसे पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं, है ना। सो गाइज आपने इरेजर तो बहुत देखी होंगी, ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग इरेजर है। इसको यहां पे रख लेते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास कुछ शार्पनर्स हैं, ये देखो ये गाइज कुछ इस तरह के डिजाइन में शार्पनर, लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा गाइज वो वाला शार्पनर है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर शार्पनर बना हुआ है। और यहां से पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखो है ना कितनी अमेजिंग चीज। और गाइज हम इसको बंद कर देंगे तो गाइज ये देखो यहां से बंद होने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाता है, कितनी अमेजिंग चीज है ना। और मेरे हाथ में यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सी बॉल है जो कि गाइज कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये देखो स्माइली फेस वाली। और गाइज इसको जब हम ओपन करेंगे तो गाइज ये भी एक शार्पनर है, ये देखो है ना कितनी ज्यादा अमेजिंग चीज, मजा आ गया गाइज। और इसको भी यहां पे रख लेते हैं। और अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी गाड़ियां दिखाता हूँ, ये देखो मेरे पास यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सा डंप ट्रक जो कि कूड़ा उठाने वाला या फिर मिट्टी उठाने वाला ट्रक होता है जो कि गाइज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना। पहले आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो, येलो और ग्रे का कितना अमेजिंग। और गाइज यहां से हम इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो जैसे कि रियल ट्रक वर्क करता है वैसे ही ये वर्क करता है ना। और गाइज ये चलता भी है, देखो इसे हम पुश बैक करेंगे तो आगे की तरफ भागता है। देखो मैंने इसे दो बार पुश बैक किया और गाइज ये देखो कितनी स्पीड से भाग रहा है ना। इसका जो डिजाइन है बिल्कुल रियल ट्रक जैसा दिखाई देता है, काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सी कार, स्माइली फेस वाली टैक्सी कार, ये देखो मेरे हाथ में टैक्सी कार है, यहाँ पे कार लिखा है, यहाँ पे टैक्सी लिखा है, आईज बनी हुई है, स्माइल बनी हुई है। और गाइज इसको चलाना है तो नॉर्मली पुश बैक करना है, देखो मैंने इसे पुश बैक किया और गाइज ये देखो कितनी अमेजिंग तरीके से चलती है, देखो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे लिखा है टैक्सी। सो गाइज इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है जो कि है गाइज ऐसा प्लेन, ये देखो है ना जैसे कि एक एयरप्लेन या फिर एरोप्लेन होता है, आईज बनी हुई है, स्माइल बनी हुई है। और गाइज ओवरऑल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कार्टून वाले डिजाइन में। इसको भी पुश बैक करके चलाया जाता है, देखो मैंने दो बार पुश बैक किया और गाइज ये देखो कितने अमेजिंग तरीके से वर्क करता है। और जिसकी आईज बनी हुई है कितनी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही है। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास है यहाँ पर एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो कुछ इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स है जो कि है गाइज डोरेमोन वाला ज्योमेट्री बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैप्पी लिखा हुआ है, डोरेमोन बना हुआ है, डोरामी बनी हुई है। और गाइज ये देखो दोनों साइड से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सा है ये, है ना। अब गाइज इसको ओपन करके देखते हैं ये क्या है। देखो मैंने इसको ओपन किया तो गाइज ये देखो इसके अंदर काफी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बटन है, अगर हम इस बटन को दबाएंगे तो गाइज यहाँ से हम पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर यहाँ पर दो दो शार्पनर लगे हुए हैं, एक लॉन्ग पॉइंट शार्प करने के लिए और एक शॉर्ट पॉइंट शार्प करने के लिए। इसको ऐसे बंद करेंगे सो गाइज ये देखो कुछ ऐसा ये दिखाई देता है, और इस बटन को दबा के ऐसे हम इसको खोल सकते हैं, है ना। और इस ज्योमेट्री बॉक्स की दूसरी खास बात ये देखो, इसके अंदर यहाँ पर है कुछ इस तरह की एक चीज, स्माइली फेस वाली जिसकी आईज बनी हुई है, और यहाँ पर है बटन। अब मैं बटन ऑन करता हूँ गाइज, ये देखो ये एक्चुअल में लाइट है जिसके अंदर से काफी कमाल की रोशनी आती है, है ना। आप देख सकते हैं अगर आप अंधेरे में स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और अमेजिंग बात यह कि गाइज यहां से आप इसको बैंड भी कर सकते हैं, देखो अलग अलग एंगल पे आप इसको बैंड कर सकते हैं। इसके अंदर एक वायर लगा हुआ है जो कि काफी कमाल का है। सो गाइज आपने ज्योमेट्री बॉक्स बहुत देखे होंगे बट लाइट वाला ज्योमेट्री बॉक्स बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। सो गाइज इसको बंद कर देते हैं, ये ऐसा दिखाई देता है। और दूसरी साइड से ही मैं आपको दिखाता हूँ, यहां से हमने इसे बंद किया और दूसरी साइड से भी इसके अंदर स्पेस बना हुआ है ना कितनी अमेजिंग चीज। सो गाइज डोरेमोन वाला बहुत ही अमेजिंग सा ज्योमेट्री बॉक्स है ये, इसको गाइज रख लेते हैं यहां पर। और इसके बाद हमारे पास है यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सी, ये देखो रेसिंग कार जो कि स्टंट कार इसे कहा जाता है गाइज। और गाइज पहले आप इसका डिजाइन देखो फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करती है। देखो
इसका डिजाइन देखो, ऑरेंज टायर है, ब्लू एलॉय व्हील है इसके, है ना। और इसके ऊपर जो ये डिजाइन बना हुआ है ये वाला, ये ऐसा क्यों बना हुआ है, क्योंकि गाइस ये कार स्टंट करती है इसलिए ऐसा बना हुआ है। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर शोक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं, देखो मैं इसको दबा रहा हूं तो दब जा रहे हैं। और गाइस जब इसको ऐसे यूज करते हैं, फर्श पे चलाते हैं, और जब ये गाड़ी पलट जाती है तो इसकी सहायता से ये वापिस स्टैंड होके चलने लगती है, इसीलिए गाइस ये स्टंट कार है और इसी वजह से इसका डिजाइन कुछ ऐसा बना हुआ है। और जब ये चलती है तो इसके शोक एब्जॉर्बर कैसे वर्क करते हैं देखो, है ना, जिसके अंदर सोकर लगे हुए कितने अमेजिंग तरीके से वर्क करते हैं। नॉर्मल पावर कार नहीं है गाइस ये, मतलब नॉर्मल स्टंट कार नहीं है, बहुत ही अमेजिंग स्टंट कार है। इसका डिजाइन देखो, कलर देखो, और जो ये पैटर्न ऊपर बना हुआ है, ये सच में बहुत ही अमेजिंग तरीके से वर्क करता है ना, काफी अमेजिंग चीज। इसको यहां पे रख लेते हैं। और गाइस लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास है यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सा, ये देखो पुलिस कार, जो कि गाइस कुछ ऐसी दिखाई देती है। और गाइस इसके गेट भी ओपन होते हैं, ये देखो पहले आपको इसके गेट ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो आपने पुलिस कार बहुत देखी होंगी, बट गाइस ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। देखो यहाँ से इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे लिखा है पुलिस इंस्पेक्टर, और दूसरी साइड भी सेम टू सेम है। अब गाइस ये वर्क कैसे करती है, देखो यहाँ पर सायरन है, और गाइस ये कुछ ऐसी ओवरऑल दिखाई देती है। अब ये वर्क कैसे करती है देखो, इसे सिंपली पुश बैक करना है और ये चलना शुरू कर देती है, है ना, काफी अमेजिंग है। सो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करती है। अगर आपको ये पुलिस कार इसका डिजाइन पसंद आया तो कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, मजा आ गया गाइस, है ना। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉयज दिखा जो कि काफी ज्यादा यूनिक, काफी ज्यादा मजेदार थे। अगर आपको इसमें से एक भी टॉय पसंद आया तो उसका नाम कॉमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।